को अच्छे से, उनकी अगर बुद्धि तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा, तो भाई और बहनों चाहे 10 लाख रुपया साल फीस हो, मम्मी पापा नहीं देंगे, मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। पांच भी पास करके छठवीं में दूसरे गांव बच्चे जाते हैं तो साइकिल के 4,500 रुपया भी डलवाए हैं मैंने। आठवीं पास करके नौवीं में जाए उनको भी 4,500 रुपया, 25,000 रुपया लैपटॉप के। और कल 23 तारीख कल है ना, हाँ कल 23 है ना, हाँ कल 12वीं में जो बच्चे अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं अपने अपने गांव में 12वीं में, उनमें बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाने वाला हूं कल ही। बताओ परिवार के अलावा कोई करता है क्या ये? अरे कांग्रेस ने कभी किया था क्या? ये अपने परिवार की सरकार है, आपकी जिंदगी सुखी बने, और इसलिए फ्री में अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के मकान। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिन गरीबों के पास रह की जमीन कम पट परिवारों को अलग से पट्टा दूंगा, रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात, मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आवास योजना, लेकिन उसमें कई नाम रह गए। तो बहने कई बार पर कहती है मेरा नहीं है, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है, कच्चा मकान है, हमरो भी बनवा दो। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? और इसलिए अब तय किया है कि पीएम साहब की योजना में अगर कुछ नाम छूट गए हैं तो मैं नई सीएम जन आवास योजना बना के उनके मकान भी स्वीकृत करूंगा, ताकि बड़ा नहीं छोटा मकान तो बन जाए, आपकी जिंदगी बेहतर हो। आज अभी भोपाल से जाते ही भोपाल में कार्यक्रम कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, उस योजना में हमारे पास बच्चे काम सीखना है तो कोई कंपनी काम सिखाएगी, तो काम सीखते समय उनको सीधे 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, 8,000 रुपया महीना। जिंदगी बदलना है तो मैं सुखी करना है। मेरी बहनों आओ ये सावन धूमधाम से मनाएंगे, नई उम्मीद और नए विश्वास से राखी का त्योहार बनाएंगे। लेकिन आज सेवड़ा आया हूं तो सेवड़ा में सीएम राइज स्कूल हम इसी साल स्वीकृत करेंगे, ताकि सेवड़ा में सीएम राइज स्कूल बन जाए। रतनगढ़ वाली मैया का, रतनगढ़ वाली मैया के मंदिर का काम चल रहा है, उन मैया की भी गजब महिमा है। हम अभी बात कर रहे थे, हमने तय किया है कि रतनगढ़ माई मैया के लोग के लिए अभी काम चल रहा है, 5 करोड़ रुपया और भेजे, और जितनी जरूरत पड़े आशुतोष जी उतना पैसा मैं भेजूंगा, पूरा प्रोजेक्ट यहाँ के लोग बनवा लें अपने। रतनगढ़ मैया का भी अद्भुत लोक बनेगा, यहाँ बस स्टैंड बनेगा, यहाँ नगर पालिका का परिषद का भवन बनेगा, और 5 करोड़ रुपया नगर के विकास के लिए अभी हम देने का काम करेंगे, ताकि सेवड़ा सज जाए समर जाए। मेरे बहनों और भाइयों, विकास और जनता का कल्याण यह हमारा लक्ष्य है, बस आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जब मैं ये काम करता हूँ तो कांग्रेसी मुझे रोज गाली देते हैं, ये डेढ़ मुट्ठी का दुबला पतला ये हट ही नहीं रहा है।
यही बन के बैठा है तो ये कि नहीं तो आओ लो तैयार हो, इधर वाले भी तैयार हैं तो आओ आज मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे, कमल का फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी मामा और भाजपा का साथ देंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, उधर पीछे भी जिनके हाथ में कुर्सी है वो एक ही उठा लो, कुर्सी वाले पर